तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का टॉप 17 बेस्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सा हमारे फ्री फायर में अच्छा अच्छा गोल्ड रॉयल का बंडल देखने को मिला है। वैसे तो गोल्ड रॉयल का बंडल कोई भी नहीं पहनता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बंडल है जो काफी ज्यादा रेयर है गोल्ड रॉयल के और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। तो ऐसे ऐसे आज मैं आपको फ्री फायर का 17 सबसे बेस्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर का टॉप 17 बेस्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में बताते हैं। नंबर 17 गाइस, नंबर 17 में जो बंडल आता है उस बंडल का नाम है डिस्को फेस्को बंडल, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये बंडल का लुक कुछ अजीबोगरीब लगता है, जोकर जैसा। मतलब जिस तरह से यहाँ पे जो डांसर होता है ना, डिस्को डांसर, बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह का लगता है। पहले के जमाने में डिस्को डांसर वाले ऐसे ही बंडल पहनते थे, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और ये बहुत ही समय पहले हमारे गेम में आया था, ठीक है। और गोल्ड रॉयल में आया था तो गोल्ड रॉयल सारे लोग निकाल ही लेते हैं, आपको पता है। और इसका गेम प्ले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बंडल का लुक गेम प्ले में कुछ इस तरह से लगता है देखने में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा गोल्ड रॉयल में से एक था, जो उस समय लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये उस समय का सबसे बेस्ट गोल्ड रॉयल बंडल में से एक था। नंबर 16 गाइस, नंबर 16 की बात करें तो उस बंडल का नाम है एंटीक्वाइटेड वॉरियर बंडल, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका यहाँ पे सबसे खासियत ये है कि इसका जो यहाँ पे दाढ़ी है ना, ये काफी ज्यादा ओपी लगता है देखने में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसका जो दाढ़ी है वो बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है। इसी कारण से ये बंडल को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और कॉम्बिनेशन के तौर पे यहाँ पे इसको पहनते हैं, ठीक है। कोई भी चीजों में अगर कॉम्बिनेशन लगाना हो तो इसका दाढ़ी यहाँ पे पहनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इसका दाढ़ी ओपी लगता है। बहुत सारे लोगों के पास कलेक्शन नहीं रहता तो ये सारे यूज करते हैं। नंबर 15 गाइस, नंबर 15 की बात करें तो वो एक फीमेल बंडल है, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जिसका नाम है रेनबो सनशाइन बंडल। और जो बीच वगैरह में लड़कियां पहनती है ना, जैसे गोवा बीच में लड़कियां वहां पे पहनती ड्रेस, तो उसी तरह का यहाँ पे ये बंडल को डिजाइन किया गया है, जो लड़कियों को ये बंडल काफी ज्यादा पसंद आता है और काफी ज्यादा लोग इसको पहनते भी है, ठीक है। तुम्हारा फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी इसी तरह का पहनेगी, टेंशन मत लो। इसलिए ये बेस्ट बंडल है हमारे नजरों में, आपकी नजरों में है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। लेकिन इस तरह का बीच में पहनते हैं सारी लड़कियां, ठीक है। नंबर 14 की बात करें तो उस बंडल का नाम है रिमसन हेयर बंडल। और इस बंडल का खासियत ये है कि इसका जो यहाँ पे हेयर है ना, वो काफी ज्यादा लोग इस हेयर को पसंद करते थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसका हेयर यहाँ पे क्रिम्सन कलर का है, यानी कि रेड, डीप जो रेड कलर होता है ना, उसी तरह का यहाँ पे है। तो लोग इसको भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन के तौर पे पहनते हैं। और इस बंडल का गेम प्ले आप देख सकते हो कुछ इस तरह से स्क्रीन पे लगता है। ये बंडल तो उतना खासियत रेयर वगैरह नहीं रहता, क्योंकि सारे लोग निकाल रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कॉम्बिनेशन के तौर पर पहनते हैं, तो उसका यहाँ पे हेयर काफी ज्यादा यूज किया जाता है अभी के समय। नंबर 13 की बात करें तो उस बंडल का नाम है एसपीए वैकेशन बंडल, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड भी फ्यूचर में पहनेगी, देख सकते हो। यहाँ पे जब आप शादी कर लोगे उसके बाद आपकी भी गर्लफ्रेंड यहाँ पे जो वाइफ हो जाएगी ना, वो इसी तरह से, समझ रहा हूँ ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी बंडल है ना, काफ़ी सारे लड़कियाँ लोग यूज़ करती है फीमेल बंडल, यहाँ तक कि लड़के लोग भी इस बंडल को काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें मस्त लगती है देखने में, ठीक है। तो ये भी बंडल एक बेस्ट बंडल में से एक है। नंबर 12 की बात करें तो उस बंडल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसका नाम है टॉक्सिक लाइम बंडल करके। और ये हमारे साथ 3 या 4 महीने पहले हमारे गोल्ड रॉयल में देखने को मिला था। और ये बंडल की खासियत ये है कि इसका जो यहाँ पे मास्क है ना, वो सबको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिला था। और उसका जो टोपी है वो काफ़ी ज्यादा पसंदीदा है। तो पहली बार मास्क हमें फ्री में दिया जा रहा था बंडल के तौर पे, तो जो इसका मास्क है वही इस बंडल को काफी ज्यादा खास बनाती है, क्योंकि इस मास्क के लोग ड्रेस कॉम्बिनेशन करते हैं और यहाँ पे पहनते हैं और खेलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के पास मास्क नहीं होता है, तो यहाँ पे ये गोल्ड रॉयल आया था तो सबके पास यहाँ पे ये वाला मास्क लगा के खेलता था, क्योंकि मास्क का उस समय बहुत ही ज्यादा क्रेज था, तब ये गोल्ड रॉयल आया था, ठीक है। इसलिए ये बंडल काफी ज्यादा खास है और उसका गेम प्ले आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस तरह से लगता है देखने में। नंबर 11 की बात करें तो उस बंडल का नाम है मोटरसाइकिलिस्ट बंडल। और ये हमारे गेम में 2018 में आया हुआ था, और उस समय ये बहुत ही ज्यादा फेमस बंडल में से एक हुआ करता था। सारे लोग इस बंडल को पहन के खेलते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओपी बंडल लगता है देखने में, अभी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये ओल्ड होने के कारण अभी भी ये काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि नए प्लेयर के पास इस तरह का बंडल नहीं है, वो पुराने प्लेयर ही जो बहुत समय पहले से खेलते आ रहे हो उसी के पास इस तरह का बंडल है। तो देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे इसका गेम प्ले कुछ इस तरह से लगता है देखने में।
टाइम, हालांकि एक बार रिटर्न आया था गोल्ड रॉयल, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसको निकाल लिया था। ठीक है, नंबर 10 गाइस, नंबर 10 की बात करें तो वहां पे एक फीमेल बंडल आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है ग्लैमर फैंटेसी बंडल, जो अभी के समय यहाँ पे गोल्ड रॉयल पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसका खासियत यह है कि ये बंडल में काफी ज्यादा लड़की हॉट लगती है देखने में, क्योंकि इसका हेयर वगैरह जो है ना, ड्रेसिंग जो सेंस है वो काफी ज्यादा ओपी है, और पूरा का पूरा यहाँ पे बाल खुला रखी है, इसलिए देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा ओपी लगता है। इसका गेम प्ले भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फीमेल क्रिएटर इसको अभी भी यूज करते हैं। नंबर 9 गए, नंबर 9 की बात करें तो उस बंडल का नाम है पंक्स्टर रनर बंडल, जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको कॉम्बिनेशन देखता हुआ मिल रहा होगा। और यहाँ पे इसका जो खासियत है ना, इसका जो यहाँ पे पैंट है और टॉप है और टोपी है ना, वो काफी ज्यादा ओपी है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही ज्यादा ओपी मास्क देखने को मिला था, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मास्क जो है ना, अभी के समय में भी काफी सारे लोग इसको कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज करते हैं, और इसका जो टॉप है ना वो काफी ज्यादा ओपी लगता है देखने में। तो इसलिए ये बंडल काफी ज्यादा खास है, जो कि हमें गोल्ड रॉयल में देखने को मिला था आज से 4-5 महीने पहले। इसका मास्क बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 8 की बात करें तो उस बंडल का नाम है ब्लू ब्लास्टर बंडल। पहली बार हमारे गेम में क्रिकेट बंडल देखने को मिला था, और हमें सारे लोगों को यहाँ पे फ्री में देखने को मिला था गोल्ड रॉयल में, जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे पहली बार क्रिकेट का बंडल हमें देखने को मिला था, और वो भी सारे लोगों को फ्री में। और इस बंडल में यहाँ पे पैड के साथ ग्लव्स और साथ ही साथ हेलमेट भी फिट कर दिया था, तो सारे यहाँ पे एक साथ आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। और इस यहाँ पे गेम प्ले देख सकते हो, यहाँ पे 18 नंबर का जर्सी है, यानी कि विराट कोहली का जर्सी यहाँ पे दिया गया है। नंबर सेवन की बात करें तो वो भी एक फीमेल बंडल में से एक है, जिसका नाम है वाइल्ड लिपॉट बंडल करके, और ये हमारा शायद तीसरा या चौथा गोल्ड रॉयल बंडल था। तो उस समय यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग इसको यूज करते थे, चाहे मेल बंदा खेल रहा हो या फीमेल बंदा खेल रहा हो, इसको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे ये काफी ज्यादा यूनिक है। जो शेर का खाल होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह का लगता है देखने में, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। और ये बहुत ही ज्यादा पुराना होने के कारण ये बंडल अभी के समय काफी ज्यादा रेयर है, और उसका यहाँ पे गेम प्ले देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह से लगता है देखने में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट और साथ ही साथ रेयर बंडल में से एक है, जो हमारे गोल्ड रॉयल में बहुत ही समय पहले देखने को मिला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। तो नंबर 6 में जो बंडल आता है, उस बंडल का नाम स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका नाम है रग्बी लीजेंड बंडल। ठीक है, जो रग्बी गेम होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे इस ड्रेस को डिजाइन किया गया था, और इसमें यहाँ पे जर्सी नंबर इसका 7 है। ठीक है, और ये भी जो बंडल है ना, बहुत ही ज्यादा पुराना बंडल में से एक है, यानी कि गोल्ड रॉयल चौथा या पांचवा में, ये गोल्ड रॉयल हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये पांचवा या छठा गोल्ड रॉयल में हमें देखने को मिला था। और इस बंडल का गेम प्ले यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा पुराना गेम प्ले है, लोग इसको काफी ज्यादा इस बंडल को पसंद करते थे और काफी ज्यादा इस बंडल को लेके खेलते भी थे। ठीक है, और उस समय बंडल बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता था, तो जो भी बंडल फ्री में मिलता था बहुत ही ज्यादा बेस्ट उसको मानते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका सब रेयरिटी खत्म हो गया। नंबर 5 की बात करें तो उस बंडल का नाम है यहाँ पे डंक मास्टर बंडल। ठीक है, और ये बंडल अभी के समय बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब रेयरेस्ट आप इसको गोल्ड रॉयल बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसका जो टी शर्ट वगैरह जो डिजाइन किया गया है ना, और पैंट और जूता जो है ना, बहुत ही ज्यादा ओपी और प्रो लुक देता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैठता है, इसलिए लोग इसको बंडल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे गेम प्ले इसका कुछ इस तरह से लगता है देखने में। नंबर 4 की बात करें तो उस बंडल का नाम है इंपीरियल कोर्स बंडल करके, और स्क्रीन पे देख सकते हो ये बंडल कुछ इस तरह से लगता है देखने में, जो यहाँ पे अंग्रेज जो होता था ना, जनरल वगैरह, उसी तरह से यहाँ पे ये लग रहा है देखने में, और इसलिए ये बंडल काफी ज्यादा खास है। और बड़े बड़े प्लेयर जो होते थे ना, यहाँ तक कि राष्ट्र भी इस बंडल को पहले के समय यूज करके खेलते थे, और राष्ट्र का जो भाई है वो भी इस बंडल को काफी ज्यादा यूज करते थे। और इस बंडल का लुक कुछ इस तरह से लगता है देखने में, और गेम प्ले आप देख सकते हो स्क्रीन पे इतना ज्यादा ओपी लग रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट बंडल में से एक है, और आप बोल सकते हो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट बंडल में से भी एक है। नंबर 3 की बात करें तो वहां पे कोई बंडल नहीं है, एक पेट आया था गोल्ड रॉयल में, जो कि किटी पेट था। और ये गोल्ड रॉयल इसलिए इतना ज्यादा फेमस है, क्योंकि पहली बार हमें जो पेट देखने को मिला था वो किटी पेट ही था, और ये काफी ज्यादा लोग इसको पसंद करने लगते थे, क्योंकि पहली बार कोई पेट नाम का चीज आया था, और वो चीज हमें गोल्ड रॉयल में बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल रहा था, इसलिए ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, और ये एक बेस्ट गोल्ड रॉयल में से एक बन गया। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो उस बंडल का नाम है ब्रेक डांसर बंडल। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक डांसर बंडल आपको पता है कि अभी के समय कितना ज्यादा रेयर है, और जब भी ये रिटर्न आती है तो बहुत ही ज्यादा गरना इसमें डायमंड लूटती है, लेकिन शायद ये आपने में से बहुत
सारे लोगों को ये चीज पता होगा कि ये जो बंडल है हमें गोल्ड रॉयल में देखने को मिला था। बस पुराने प्लेयर ही जानते होंगे ये बंडल हमें गोल्ड रॉयल में बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिला था, जो अभी के समय इतना ज्यादा रेयर है। ठीक है, नए प्लेयर ये जान लो कि ये जो बंडल है ना इतना ज्यादा अभी के समय रेयर है कि क्या बताएं, और ये चीज हमें बिल्कुल यहाँ पे फ्री में देखने को मिला था। नंबर वन गाइस, नंबर वन की बात करें तो वो है ब्लैक जैकेट। ठीक है, फ्री फायर का जो सबसे पहला गोल्ड रॉयल बंडल था वो था ब्लैक जैकेट, जिसका स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बंडल का लुक कुछ इस तरह से लगता था देखने में, और ये बहुत ही ज्यादा रेयर बंडल में से एक है क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल है, इसलिए यहाँ पे ये दर्शाता है जिसके पास भी ये वाला टी शर्ट रहता है ना वो समझता है कि ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, पुराना प्लेयर है, इसलिए ये जो जैकेट है ना बहुत ही ज्यादा रेयर जैकेट में से एक है जो हमें सबसे पहला गोल्ड रॉयल में देखने को मिला था। ठीक है, तो गाइस ये था फ्री फायर का टॉप 17 गोल्ड रॉयल बंडल। इन सारे गोल्ड रॉयल बंडल में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कौन कौन सा पुराना पुराना गोल्ड रॉयल आपके पास है, क्या आपके पास ये सारा गोल्ड रॉयल है ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक किसके बेसिस पे होना चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो तो वहां पर भी आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ सेकंड चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे मैं लाइव करता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।